एकेडमी आज के क्लास में हम लोग नाइन क्लास का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स एक बेसिक से हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसकी डिग्री क्या है, टर्म्स क्या है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए हैं और आगे टेन में भी पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। और पॉलिनोमियल्स आगे आपको अलग अलग नाम से आते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पॉलिनोमियल्स मिलेगा। तो एक तरफ से देखा जाए कि मैथ में पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो एक अच्छा स्कोरिंग भी है। यदि आप इसमें अच्छे से करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डूइंग लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब आप बोलिए कि अलजेब्रिक इक्वेशन होता क्या है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन में लिख के बता दो कि मान लीजिए 2x + 4, ये अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का जब गुणनखंड होता है, जब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन बनता है। अब इसमें कॉन्स्टेंट ये है 2 और वेरिएबल क्या है x, है ना। तो x का वेरिएबल मतलब ये हमेशा चेंज करता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके अच्छा से समझे कि ये क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये 3 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक साइड है, ठीक है। ये स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा है इसे, चलिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। तो यहाँ से ये रहा स्क्वायर, ठीक है, और एक इससे बड़ा स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, यहाँ ये बड़ा स्क्वायर, इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर प्रत्येक साइड है और इसका 3 है। तो इसका देखिए क्वांटिटी जो है 3 सेंटीमीटर प्रत्येक का है, इसका 5 है, तो ये चेंज हो रहा है, ये वेरी कर रहा है। लेकिन इसका जो 4 साइड है, जो इसका 4 साइड है स्क्वायर का, तो हमेशा 4 ही साइड होता है, तो ये क्या कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। तो वैसे यहाँ पे 2 जो है ना, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट है। और x जो है वेरिएबल है, यानी कि 3, 5 ये हमेशा x का वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो बस यही है, तो समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। तो पॉलिनोमियल्स इट इज आल्सो एन अलजेब्रिक इक्वेशन, लेकिन शर्त ये है कि अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन, ये शर्त ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ इसका जो x का वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर आप बोलिए कि क्या होता है, या फिर दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा होगा। तो होल नंबर कुछ नहीं है, ये 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी, है ना, ये होल नंबर होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं एग्जांपल 2x³ + 4x + 5, है ना, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है ना। और यहाँ हम लोग को पावर देखना है कि ये क्या है, x में पावर 1 है और यहाँ x का पावर क्या है 3 है। तो 3 और 1 क्या होल नंबर, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल्स होगा, है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2x² + 4, तो ये भी देखिए x का पावर 5 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है, तो इसका पावर कितना है 5 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स होगा। अच्छा ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, +6 यहाँ 2 है x का रूट है और +6, यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² / 2+6, तो यहाँ x² / 1/2 या रूट ये जो है होल नंबर नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, या पिछले 1/2 एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स, है ना। तो चलो पॉलिनोमियल्स हम लोग दूसरे तरीके से भी पढ़े, ये जो समझ में आ गया है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलके बना है, सबसे पहले पोली, ठीक है, पोली और एक नोमियल। तो पोली मतलब मेनी होता है, इसका हिंदी ये है, मेनी मतलब कई सारे, बहुत सारे, और नोमियल मतलब टर्म्स होता है, ठीक है। तो नोमियल्स मतलब टर्म्स, पॉलीनोमियल, मेनी मतलब कई, टर्म्स मतलब टर्म्स, तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम लोग पॉलीनोमियल्स कहते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पॉलीनोमियल्स बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, है ना, एक पहला डिग्री के टर्म्स में, एक डिग्री के बेसिस में और एक टर्म्स के बेसिस में। तो पॉलीनोमियल्स इसको मिटा देते हैं, ठीक रहेगा। तो यहां से हम लोग पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं,
पॉलिनोमियल है ना। तो यहां से एक ये डिग्री के बेसिस पे और एक ये टर्म्स के बेसिस पे, तो यहां बेसिस ऑफ टर्म्स लिख देते हैं, यहां बेसिस ऑफ टर्म्स एंड बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहां बेसिस ऑफ टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल्स में कितना टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, तो जीरो टर्म्स का भी पॉलिनोमियल्स होता है, तो उसमें कुछ नहीं होता है, बस जीरो ही होता है, तो उसे छोड़ देते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल्स, मोनोमियल। तो मोनो मतलब वन, मियल मतलब मोनो मतलब वन, मियल मतलब टर्म्स, यानी कि एक टर्म्स का जो हो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि 4x है ना, इसमें एक ही टर्म्स है 4x, फिर माइनस 2। अब यहाँ आप क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि माइनस 2 में तो सिर्फ कांस्टेंट है ना, तो ये कैसे हो गया पॉलिनोमियल्स? तो इसमें भी वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि कोई भी कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल या एक्स वाई जो भी हो, जो भी हो, इस पर जो पावर होता है वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। 2 पर पावर 0 है, 1 है। तो यहाँ हम लोग माइनस 2 में x का पावर 0 कर सकते हैं और माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 2 ही हो जाएगा। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। हाँ, एक बात तो है कि वेरिएबल में आप लोग x, y, z कुछ भी ले सकते हैं, जितना सारा अल्फाबेटिकली 26 है वो, और कांस्टेंट तो पता है, होल नंबर कितना है 0 से लेकर इनफिनिटी तक। तो ये मोनोमियल है। और यहाँ दूसरा में बायनोमियल, बायनोमियल। तो बाय मतलब दो, नोमियल्स मतलब टर्म्स। जैसे कि 4x² + 2। तो यहाँ देखिए इसका टर्म्स, पहला टर्म्स ये हो गया 1, 2, जिसमें बायनोमियल, जिसमें दो टर्म्स हो उसे हम लोग बायनोमियल कहते हैं। अब तीसरा में ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स में ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म्स। तो जिसमें 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स, 4x³ + 2x + 5, इसमें 1 टर्म्स 2, 3। तो ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं, इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग बेसिस ऑफ डिग्री पे आते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लिख के बताते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। 4² + 2x + 5, ये पॉलिनोमियल्स है, बहुत सारे टर्म्स है इसमें। इसमें हम लोग को हाईएस्ट पावर वेरिएबल का देखना है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का देखिए, एक्स का देखिए 3 है, x का 2 है, x का 1। तो इसमें सबसे ज्यादा x का पावर 3 है, तो इसका जो डिग्री होगा ये क्या हो जाएगा? 3, दैट इज डिग्री ऑफ 3। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल्स हो गया। मान लीजिए यहाँ 4x + 5 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो बस यही है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, y, z उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जिसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हुआ है, जिसका वेरिएबल एक्स का पावर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 4, 5, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x² = 0। तो अभी हम तुरंत बताए कि ये एक्स किसी भी पावर में, किसी भी का पावर 0 होता है वो 1 होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारे लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब होता है दूसरा नंबर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर
पॉलीनोमियल। तो लीनियर पॉलीनोमियल्स वह पॉलीनोमियल्स जिसमें डिग्री जो है पॉलीनोमियल्स का वन होता है। तो जैसे 4x है ना, ये भी है 4y प्लस 5, तो इसका देखें वेरिएबल 1, इसमें भी वेरिएबल y है, इसका भी पावर 1 है, तो इसका भी डिग्री 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये बेसिस ऑफ डिग्री है, इसमें टर्म्स जितना भी हो इज नॉट मैटर, ओनली मैटर ऑफ डिग्री। सो और फिर इसके बाद होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स जिसमें जब डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स इज 2, जिसका 2 डिग्री का पॉलीनोमियल्स है 2x² + 4x + 5, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हो जाएगा। अब इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, क्यूबिक पॉलीनोमियल, द क्यूबिक पॉलीनोमियल्स जिस में वेरिएबल जिसका जो पॉलीनोमियल्स का डिग्री जो होता है वो 3 होता है, यानी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलीनोमियल इज 3, तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल्स कहेंगे। जैसे 4x³ + 2x² + 5x है ना, तो ये क्या क्यूबिक पॉलीनोमियल्स है। तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपका क्लास हम लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके बताइए, और नहीं तो वो भी बताइए, इससे भी और अच्छा वीडियो बनाइए। और सो हम लोग का जो क्लास होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होता है, यदि आप इंटरेस्टेड है करने में तो प्लीज कॉन्टेक्ट आवर नंबर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।